Fine. आई होप मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, जो भी आपकी क्यूरीज होती है आप बिल्कुल लाइव चैट पर मेरे पास भिजवा सकते हैं। सो मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूँ अनअकैडमी में। ये अनअकैडमी का डिफेंस सेक्शन है अगर आपको पता हो तो, ठीक है। और इसमें हम डिफेंस से रिलेटेड अलग अलग सेक्टर्स को कवर करते हैं। आप अनअकैडमी ऐप में जाकर मेरी प्रोफाइल सर्च कर सकते हैं इस तरीके से, और इसमें आपको मेरे द्वारा बनाए गए कई सारे कोर्सेज हैं। अच्छा, ये कोर्सेज अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, एमसीक्यूज हो गए, जो करंट के कुछ एक टिप्स एंड टर्म्स हैं वो चीज़ें होगी। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जो भी अपडेट है नए कोर्सेज के वो आपको मिलेंगे, इनके लेसन्स आप देख सकते हैं, और स्लाइड्स और ऑफलाइन वॉचिंग की भी सुविधा इसमें है, ठीक है। हेलो शब्दा। थोड़ा सा अनअकैडमी का ना एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी चेंज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। सब्सक्रिप्शन प्लान। सब्सक्रिप्शन प्लान में क्या है जो स्पेशल है आपके लिए, एक तो 30+ आवर्स के लाइव सेशन एवरी डे, इट इज़ रियली वन ऑफ द बिग डील। व्हाई? इफ यू गो इन अ नॉर्मल कोचिंग सेंटर दे विल हार्डली प्रोवाइड 3 आवर्स अ डे, लेकिन उसके कंपेयर में यहाँ पर 10 टाइम्स ज़्यादा आपको क्लासेस मिल रही हैं, स्ट्रक्चर कोर्स मिल रहे हैं हिंदी और इंग्लिश के, top 10 एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है, और उनके एक्सपीरियंस को आप इनकैश कर सकते हैं। नए कोर्सेज हर महीने पब्लिश होते हैं, और ये जो कोर्सेज हैं ये आप लोगों के एग्जामिनेशन पर फोकस होकर ही सारी चीज़ें बनाई गई हैं। ओके, हेलो कार्तिक, कैसे हो? मेरा नाम पंकज है, ये बाकी सारी चीज़ें देख लो जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये CDS है, FCAT है, SSB इंटरव्यूज़ है, IMA है, टीचिंग एक्सपीरियंस, प्रेसिडेंट अवार्ड, बेस्ट कैडेट, प्लाटून कमांडर, राइट नाउ प्रिपेयरिंग फॉर सिविल्स। दोस्तों मैं बात कर रहा था थोड़ा सा हम यहाँ पर किस तरीके से पढ़ने वाले हैं ये जान लें। तो एक चीज़ तो होती है करंट पढ़ने के लिए कि आप न्यूज़पेपर उठा रहे हैं, रेगुलर पढ़ते जा रहे हैं, उसके नोट्स बना रहे हैं हर चीज़ की, और लास्ट में जाकर गए MCQ देखा, MCQ में कंफ्यूज हो गए। ये इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कौशिक, गुड इवनिंग कौशिक। इसका रीज़न ये है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी, हम पढ़ तो लेते हैं, ठीक है, हमने पढ़ ली पूरा एकदम, न्यूज़ पक्का हो गया। अब न्यूज़ पक्का होने के बाद वहाँ गए तो एग्जामिनर को भी पता है कि हाँ बच्चा सब कुछ पक्का कर कर आया है, एक कच्चा सा हल्का सा टर्म डाल दो, तो अब वहाँ से कन्फ्यूजन की कहानी शुरू होती है। और ये जो कन्फ्यूजन का भूत है ना, ये कन्फ्यूजन का भूत अच्छे अच्छों को खा जाता है। बनते बनाए सवाल वो हम गलत कर कर आ जाते हैं सिर्फ इस वजह से। तो मैंने इस कोर्स का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रखा है कि हम MCQ को लेंगे, उसके जो भी करेक्ट आंसर्स हैं उन्हें देखेंगे और उनकी एक्सप्लेनेटरी पार्ट को देखेंगे। देखो, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करने से हमारा एक तो करंट कवर हो जाएगा, और साथ ही साथ MCQ की प्रैक्टिस से जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो भी साथ ही साथ बननी रहेगी। शुरू करते हैं, ठीक है, चल शुरू करें अंताक्षरी। पहला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। अगर मेरी वॉइस लो है या ऐसा कुछ है तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। ओके, पहला स्टेटमेंट दिया गया है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में कि दीज आर गाइडलाइंस प्रोवाइडेड इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा। आपको पता है इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। अच्छा, आपने कभी सोचा कि हम कहते हैं भारत इस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ऐसा क्यों है?
सबसे पुरानी डेमोक्रेसी तो यूएसए थी। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इसलिए है कि हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, और ये जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन जिस तंत्र में रहती है वो डेमोक्रेसी का तंत्र है। अगर आप देखें चाइना, तो चाइना की पॉपुलेशन वर्ल्ड में अगर सबसे ज़्यादा है देखा जाए डॉक्यूमेंट्स में, तो सबसे बड़ा कम्युनिस्ट कंट्री चाइना है, ठीक है, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया है। लेकिन दोस्तों डेमोक्रेसी में ना जो जिस्ट होता है, इस बात को समझिएगा, डेमोक्रेसी में जो हम बात करते हैं वो सारी बातें शुरू होती हैं इलेक्शन से। और यही रीज़न है कि हमारे देश में आज जो इंसान है, जो नागरिक है, जिसे हम कहते हैं सिटीज़न, वो सिर्फ एक वोट बनकर रह गया है। क्योंकि सबको पता है कि पॉलिटिक्स पूरी की पूरी, आपने सुना होगा वोट बैंक की पॉलिटिक्स, पूरी की पूरी जो पॉलिटिक्स है वो वोट बैंक की हो चुकी है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि सबको पता है कि वोट इज़ एवरीथिंग। इंसान की जो मेमोरी है ना वो बहुत शॉर्ट एंड है, बहुत कम है। गुड इवनिंग मयंक, आप सब लोगों को देखकर अच्छा लग रहा है, ठीक है, काफ़ी दिनों बाद, बीच में थोड़ा सा व्यस्त था, पर आप सभी लोग वापस मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अब क्या होता है कि वोट बैंक की जो राजनीति है, ये वोट बैंक की राजनीति किस तरीके से, सबको पता है 5 साल में एक बार इलेक्शन होने हैं, और एक बार अगर इलेक्शन हो गए तो नेताओं को भी ये चीज़ पता है कि हमें सिर्फ 5वें साल ही जाकर फोकस करना है, ठीक है, बाकी 4 साल 4.5 साल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इसलिए बनाया गया है कि ऐसा ना हो कि इलेक्शन के टाइम पता चला 1 महीने बाद इलेक्शन है और जो नेता हैं वो ऐसी ऐसी योजनाएं या कुछ ऐसा डिसीजन ले लें जो कि वोटर्स को प्रभावित करें। क्लियर हुआ? इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है। अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्लियर हो गया, दीज आर गाइडलाइंस प्रोवाइडेड इन RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम इनटू फोर्स इमीडिएटली आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन बाय इलेक्शन कमीशन। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में कब आते हैं, लागू कब होते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं आचार संहिता, ये जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होते हैं उसके तुरंत बाद इलेक्शन कमीशन इन्हें लागू कर देता है। स्टेटमेंट आपके सामने, मैं बिल्कुल स्टेटमेंट पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हम सीधे चलते हैं आंसर की तरफ। दोस्तों इसका सही आंसर है बी, और बी क्या बोल रहा है, टू ओनली, सिर्फ और सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये जो गाइडलाइंस हैं ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में दी गई हैं, जी नहीं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जिसे RPA एक्ट भी कहते हैं, इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है। ये जो कोड्स हैं ये प्रोवाइड किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये पॉइंट क्लियर हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन कोड्स को लागू करता है जैसे इलेक्शन कंडक्ट होते हैं। अभी क्या है, लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, तो लोकसभा के जैसे इलेक्शन आएंगे वैसे ही लग जाएगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होना बड़ा रिलीजियसली फॉलो किया जाता है, ठीक है, नेताओं को भी ये चीज़ पता होता है कि जब आचार संहिता लगी है तो बिल्कुल प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में हमें टांग नहीं अड़ानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। थोड़ा सा मैं पहले इस सेंटेंस को ना एलेबोरेट करूँगा जिससे आपको ना इसकी जिस्ट समझ में आ जाए। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, जैसे थोड़ी देर के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एक बस्ती है, इस बस्ती में सैनिटेशन पर अलग से एक टीम काम कर रही है, फिर नाली बनाने के लिए अलग से एक टीम काम कर रही है, उसके बाद फिर पानी पहुँचे इसके लिए अलग से एक टीम काम कर रही है। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर इन तीनों कामों को मिला दिया जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेट कर देना। तो ये जो सवाल है ये कुछ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के बारे में है। किस चीज़ का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का। पहला पॉइंट बोलता है कि दोनों प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट ये इस स्कीम के सब कंपोनेंट हैं। सेकंड स्टेटमेंट, इट वाज रिसेंटली मेड एन ओपन एंडेड स्कीम
which would continue for an indefinite period. हाल ही में ये एक ओपन एंडेड स्कीम के रूप में सामने आई है जो कि इनडेफिनेट टाइम तक रहेगी. ओपन एंडेड स्कीम थोड़ा सा समझा देता हूँ. मुझे पता है 2015 से अगर 2020 तक कोई स्कीम चलनी है तो देखो इसका जो एंड है वो क्लोज है, लेकिन 2015 से ये शुरू होगी, कब तक चलनी है ये नहीं पता, तो इसे हम कहेंगे ओपन एंडेड स्कीम. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ऑप्शंस आपके सामने हैं. हम चलते हैं सही आंसर की तरफ. दोस्तों इसका सही आंसर है ए. मुझे खुशी है कि आप लोगों में से ना कुछ लोगों ने जवाब दिए हैं, थैंक यू वेरी मच. आप लोग गलत जवाब देंगे तो भी आप देखना कि वो जो जवाब हैं वो जवाब ऐसा होता है, पता है कि ऊपर वाला ना आपसे एक बार गलती करवाता है, वो चाहे आप प्रैक्टिस में कर लो या एग्ज़ाम में कर लो. अगर आप यहाँ पर जवाब दे रहे हैं तो आप देखिएगा कि आपका एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा, ठीक है. इसका करेक्ट आंसर है ए. थोड़ा सा ए को समझते हैं. देखो क्वेश्चन किस बारे में था, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट. सो इसका सही आंसर है ए. ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड अम्ब्रेला स्कीम है. देखो इंटीग्रेटेड से तो आपको समझ आ गया ना, अम्ब्रेला का मतलब है कई सारी स्कीम चल रही थी उनके ऊपर इस तरीके का एक छाता लगा दिया गया, अब वो सारी स्कीम्स इसके अंदर आ गई, ठीक है. तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर कंटिन्यूएशन बियॉन्ड 12th 5-year प्लान. तो अभी जो ये चर्चा में इसलिए थी कि इसे 12th 5-year प्लान के बाद भी कंटिन्यू रखा जाएगा, इसकी मंजूरी मिल गई है. तो पहले जो ये स्कीम थी ये सिर्फ 17-18 तक थी और अब ये स्कीम 19-20 तक बढ़ा दी गई है. इसलिए जो ये सेकंड वाला हमारा स्टेटमेंट था ना कि ये ओपन एंडेड स्कीम है, जी नहीं, ये ओपन एंडेड स्कीम नहीं थी, ये क्लोज एंडेड स्कीम है और इसका क्लोजिंग पॉइंट है 1920. ओके नेक्स्ट पॉइंट देखिए. द स्कीम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर. ये जो इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड से तो समझ आ रहा है कि हम सभी को साथ लेकर चलेंगे, सबका साथ सबका विकास, ठीक है. तो इसमें इन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर भी इंक्लूड कर रखा है और प्रोजेक्ट एलिफेंट भी इंक्लूड कर रखा है. आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर की कौन से ईयर का है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कौन से ईयर का है. पॉइंट क्लियर हो रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर कौन से ईयर का है और प्रोजेक्ट एलिफेंट कौन से ईयर का है. मैंक ने क्वेश्चन किया है कि CDS प्रिपरेशन के लिए क्वालिटी पढ़ें या क्वांटिटी, और अगर क्वालिटी पढ़ें तो ओके ठीक है, हम एग्ज़ाम के लास्ट में ना इस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है मैंक. चलो कई बार इसमें क्या है मैसेजेस नहीं भी आते हैं, ठीक है, तो कई बार अगर किसी के क्वेश्चन छूट जाएँ तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मैं उसे बाद में पढ़कर उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है. तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया. नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रफेल. रफेल अभी चर्चा में, उसके बारे में क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है. पहला स्टेटमेंट, इट इज अ सिंगल इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट. अब देखो इस एक लाइन में दो चार शब्द है ना, उन दो चार शब्द में कई सारी चीजें छुपी हुई. इट इज अ सिंगल इंजन, रफेल के अंदर सिंगल इंजन है, मतलब एक ही इंजन है, अगर वो फेल हो गया तो पूरा एयरक्राफ्ट धराशायी हो जाएगा. मल्टी रोल, मल्टी रोल का मतलब है कि एक से ज्यादा रोल प्ले कर सकता है. कई बार क्या होता है, सामान पहुंचाने का रोल, कई बार एज अ फाइटर प्लेन का रोल, कई बार रेस्क्यू ऑपरेशन का रोल. तो ये कई सारे रोल कवर कर सकता है और ये कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, मतलब फाइटर, फाइटर प्लेन है. तो क्या ये एक सिंगल इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, पहला सवाल. दूसरा सवाल, रफेल कैन कैरी आउट बोथ एयर टू ग्राउंड एज वेल एज एयर टू एयर अटैक. रफेल हवा से जमीन पर और हवा से हवा पर वार कर सकता है. तीसरा स्टेटमेंट, एयरक्राफ्ट इज इक्विप्ड विद एन ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम. ओके, एयरक्राफ्ट में एक ओबोक्स लगा हुआ है, ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम. किसी कारणवश अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है तो इसी के अंदर ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा हुआ है, इससे पायलट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. हमें बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है. अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आप ही लोगों के आंसर लेकर बताता हूँ. जैसे कार्तिक ने बोला एक तो नहीं है,
अब अगर आपको ये पता है कि पहला वाला नहीं हो सकता है, यही तो डिमांड होती है यूपीएससी की, कि आपको ये पता हो कि इसमें से कौन सा एक्सट्रीम है। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। अगर कार्तिक की बात को मैं सही मानूं और एक नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन चला गया, ये वाला ऑप्शन चला गया, ये वाला ऑप्शन चला गया, मतलब बी होना चाहिए। तो सही आंसर है दोस्तों इसका बी। ओके, तो ये लॉजिक समझ आया किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं लॉजिक को। आंसर है इसका बी। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। रफेल एक ट्विन इंजन मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। हाँ, ये बात सही है कि ये मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और इसमें ट्विन इंजन लगे हुए हैं। दूसरा, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय फ्रेंच कंपनी। ये तो अब सभी को पता चल गया होगा कि ये एक फ्रांस की कंपनी है, डेसल्ट एविएशन, वो रफेल बना रही है। ओके, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सॉरी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पालिनी हिल्स। पालिनी हिल्स के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको वो बताना है। विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली, जो कि हाल ही में न्यूज़ में था। पहला पॉइंट, दे आर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ वेस्टर्न घाट। इसका मतलब समझो, ये हमारा इंडिया है, ये इस तरीके से, ये यहाँ पर है अरेबियन सी, यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, ये है हमारे ईस्टर्न घाट और ये है हमारे वेस्टर्न घाट। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि दे आर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के ईस्टवर्ड एक्सटेंशन में है पलानी हिल्स। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, द ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट और शोला फॉरेस्ट यहाँ पर देखे जाते हैं। तीसरा, इट इज़ होम ऑफ कोडा एंड कुरुम्बा ट्राइब। ये कोडा और कुरुम्बा ट्राइब यहाँ पर पाई जाती है। पॉइंट क्लियर हुआ? आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। हम चलते हैं सही आंसर की तरफ। दोस्तों इसका सही आंसर है ए। थोड़ा सा पहले ए को समझेंगे, उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ए बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वन एंड टू ये ही सही हैं। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? वन एंड टू। दे आर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट का ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, द ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट और शोला फॉरेस्ट कैन बी सीन हेयर, ये बात भी बिल्कुल सही है। माउंटेन फॉरेस्ट या जिन्हें शोला फॉरेस्ट कहते हैं, उनका एक्सटेंशन यहाँ पर देखा जाता है, ये कोड़ा और कुरुम्बा ट्राइब यहाँ पर नहीं पाई जाती। ओके, तो कुछ एक सप्लीमेंट्री इसी में से, पलियन आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, ठीक है, पलानी हिल्स में जो लोग रहते हैं, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स या एबोरिजिन्स भी बोल सकते हैं, तो पलानी हिल्स में जो लोग रहते हैं वो हैं पलियंस, ये यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैं, हु कैन सीन इन पलानी हिल्स। जो कोड़ा ट्राइब है, कोड़ा ट्राइब एक्चुअल पलानी हिल्स में नहीं रहती है, नीलगिरी हिल्स में रहती है, ठीक है। और जो कुरुम्बा ट्राइब है, कुरुम्बा ट्राइब ये केरला के वेस्टर्न घाट में रहती है। तो ये समझ आ गया, यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ, ये अपना वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर जो नीलगिरी हिल्स है, नीलगिरी हिल्स में कोड़ा ट्राइब। तो इसको ऐसे याद रखना, देखो आपको पता है कोड़ा क्या होता है? कोड़ा, कोड़ा वो होता है, वो हंटर, तो हंटर जब पड़ता है ना तो नीला पड़ जाता है, सुना है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से याद रखो कि जो कोड़ा ट्राइब है वो नीलगिरी हिल्स में है। ओके, दूसरा पलियन का तो आपको याद रहेगा पलानी, फिर कुरुम्बा वेस्टर्न घाट, तो कुरुम्बा वेस्टर्न घाट अपने आप आ जाएगा अगर वहाँ पर कोड़ा नीलगिरी आया तो, वेस्टर्न घाट केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पिंक बुलवॉर्म। पिंक बुलवॉर्म के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पिंक बुलवॉर्म, पहला, राइट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ बीटी कॉटन, जब से बीटी कॉटन इंट्रोड्यूस हुआ है, पिंक बुलवॉर्म हैड बीन रेजिस्टेड टू इट। पिंक बुलवॉर्म इस पर अटैक कर देता है। देखो एक्चुअल बीटी कॉटन का फ़ायदा क्या है, जितने भी जेनेटिकली, आपने सुना होगा जेनेटिकली मोडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मोडिफाइड क्रॉप्स का रीज़न पता क्या है कि हम उन्हें क्यों लेकर आ रहे हैं? क्योंकि कई सारे जेनेटिकली मोडिफाइड क्रॉप्स में क्या होता है, कई सारे ऐसी ताकतें होती हैं
कि जैसे हमने फसल बोई, फसल में कीड़े लग गए, लेकिन अगर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो उसमें कीड़ों का अटैक नहीं होता है, इसलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लेकर आई जाती हैं। अब यहाँ पर बात करें पिंक बुलवॉर्म की। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जब से बीटी कॉटन बना है तब से लेकर अभी तक जो पिंक बुलवॉर्म है वो इस पर अटैक कर देता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है अर्ली शोइंग ऑफ कॉटन, यदि हम कॉटन को जल्दी बो देते हैं तो इट विल हेल्प इन प्रिवेंट अटैक ऑफ पिंक बुलवॉर्म। तो ये पिंक बुलवॉर्म के अटैक से हम पिंक बुलवॉर्म के अटैक से बचाया जा सकता है बीटी कॉटन को अगर जल्दी बो दिया जाता है। याद रखिएगा पिंक बुलवॉर्म। ओके, चलते हैं सही आंसर की तरफ। सही आंसर है इसका डी, ना तो पहला ऑप्शन सही है ना दूसरा ऑप्शन सही है। तो अब इसे समझ लीजिए क्या है। बीटी कॉटन को इंट्रोड्यूस किया गया था 2002 में। बीटी कॉटन कब बनता है? 2002 में। पिंक बुलवॉर्म ने रेजिस्टेंस डेवलप करना शुरू किया 2014 में, मतलब बीटी कॉटन के बनने के लगभग 12 साल के बाद पिंक बुलवॉर्म का अटैक देखने को मिलता है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, समझ आया। दूसरे स्टेटमेंट पर आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा था कि अगर हम कॉटन को जल्दी बो देते हैं तो इनसे बचा जा सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट समझो, अर्ली शोइंग ऑफ कॉटन, अगर कॉटन को जल्दी बो देंगे तो इससे क्या होगा, एक्सीलरेट द अटैक ऑफ पिंक बुलवॉर्म। तो जो पिंक बुलवॉर्म का अटैक है, पिंक बुलवॉर्म का अटैक, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। पिंक बुलवॉर्म मौत बिकम एक्टिव क्यों बढ़ जाएगा, अब इसे समझो, क्योंकि पिंक बुलवॉर्म बिकम एक्टिव विद अ राइजिंग ह्यूमिडिटी लेवल। जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ती है पिंक बुलवॉर्म भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वो ब्रीड करते हैं मई जून के सीज़न में और जुलाई अगस्त के सीज़न में। यदि हम कॉटन को जल्दी बो देते हैं तो होगा क्या, वो मई जून में उनमें अंडे दे देंगे, ठीक है। तो कॉटन जो है वो एज अ होस्ट उन्हें मिल जाएगा। इस वजह से क्या होगा, उन अंडों से तो पहले जहां पर 10 आ रहे थे, अब अंडे देने की उन्हें जगह मिल गई तो पता चला कि अब वहां पर 100 आने लगे। तो ये जो लार्वा हैं, जो अंडे दिए उन्होंने, ये जो लार्वा है 5 से 4 डेज में सब्सिक्वेंटली डेवलप इंटू मौत विद इन अ मंथ। दिस मौत टर्न एंड ले एग अगेन इन जुलाई अगस्त लीडिंग टू रिन्यू अटैक ऑन क्रॉप। ओके, कार्तिक ने पूछा है कि एफ कैट में इतना डीप कहाँ पूछते हैं। हाँ, एफ कैट में देखो, समझना, अब ये जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है थोड़ा सा ये मैं क्लियर कर दूँ। इस कोर्स को ना मैंने डेंस क्यों रखा है, डेंस मतलब एक क्वेश्चन में आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। हो सकता है क्योंकि ये चर्चा में था तो आपसे वो पूछ ले कि पिंक बुलवॉर्म या पिंक बुलवॉर्म क्या है, या फिर ये पूछ ले कि बीटी कॉटन कब इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसलिए जो भी न्यूज़ है उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लेकर चलेंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माउंट वेनियामिनोफ। ओके, माउंट वेनियामिनोफ, तो हो सकता है एफ कैट या सीडीएस में वो डायरेक्ट इसे पूछ ले कि वेनियामिनोफ क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माउंट वेनियामिनोफ। पहला स्टेटमेंट बोलता है इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड एक्टिव वोल्केनो ऑफ वर्ल्ड लोकेटेड इन अलास्का। ये लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है अभी इस दुनिया का, जो कि अलास्का में लोकेटेड है। दूसरा, इट रिसेंटली इरप्टेड आफ्टर अ गैप ऑफ नियरली 50 ईयर्स। हाल ही में ये वापस से इरप्ट हुआ है, फटा है लगभग 50 साल के बाद। थर्ड, सडन एक्सप्लोजन ऑफ वोल्केनो कुड सेंड ऐश अबव 20,000 फीट एंड थ्रेटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एकदम से इस वोल्केनो के फटने से, देखो एकदम से ये वोल्केनो के फटने से जो इसकी राख है वो तकरीबन 20,000 फीट की ऊंचाई तक गई है, जिसकी वजह से जो एरोप्लेन है, इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट है, उनके लिए खतरा पैदा हो गया है। इन तीनों में से कौन से स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, हम चलते हैं सही आंसर की तरफ। दोस्तों सही आंसर है इसका सी। ओके, मैं बात कर रहा हूँ माउंट वेनियामिनोफ की। ये जो है ये वोल्केनो है सी,
पहले हम सी को देखते हैं, फिर इसकी सप्लीमेंट्री पॉइंट्स को देखेंगे। सी बोलता है कि फर्स्ट और थर्ड पॉइंट बिल्कुल सही है, फर्स्ट और थर्ड पॉइंट सही है। इसका मतलब ये है कि ये लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है अभी इस दुनिया का, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। माउंट वेनिया मिनोफ, ये कहाँ पर लोकेटेड है? अलास्का में। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, सडन एक्सप्लोजन की बात करें। सडन एक्सप्लोजन का मतलब है एकदम से इसके एक्सप्लोजन होने की वजह से जो इसकी राख है वो 20,000 फीट तक गई है, जिस वजह से इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट को प्रॉब्लम पहुंची है। अब ये आते हैं कि 50 साल के बाद नहीं फटा है, तो इसका करेक्ट टाइम देख लीजिए कि वोल्केनो इरप्टेड फॉर सेवरल मंथ इन 2013 में भी एक्टिव था। अदर रिसेंट इरप्शन अकर्ड इन 2005 में भी देखा गया, 93 में भी देखा गया, 95 में भी देखा गया। द रिस्क लेवल वॉज फ्रॉम येलो टू ऑरेंज, इसका जो रिस्क लेवल है, देखो जब भी रिस्क लेवल बताया जाता है ना तो उसके लिए अलग अलग कलर कोड होते हैं, तो ये इसके फटने से जो रिस्क लेवल है वो येलो से ऑरेंज पर पहुंच गया था। द कलर डेजिग्नेशन इंडिकेट दैट द सडन एक्सप्लोजन, ये जो एक्सप्लोजन हुआ है इसकी वजह से तकरीबन 6 किलोमीटर तक इसकी जो राख है 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक गई थी, जिस वजह से जो एरोप्लेन उड़ते हैं उनके लिए, इंटरनेशनल एरोप्लेन्स के लिए ये खतरे के रूप में सामने आ गया था। अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विद रिस्पेक्ट टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप ना ये सुप्रीम कोर्ट इस साल काफ़ी चर्चा में रहा है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपसे ना सुप्रीम कोर्ट पर क्वेश्चन पूछा जाए। खैर आते हैं पॉइंट पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पहला स्टेटमेंट बोलता है द सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ CJI आर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। CJI की जो सैलरी है, अलाउंस है और पेंशन है, ये तीनों इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड से जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द ग्राउंड एंड प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ CJI, अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाना चाहते हैं तो उन्हें हटाने का प्रोसीजर, उन्हें हटाने का ग्राउंड, वजह बिल्कुल वैसी ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस को हटाया जाता है, ठीक है। क्या ये वाला स्टेटमेंट सही है? आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट बताने हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं। हम चलते हैं सही आंसर की तरफ। दोस्तों इसका सही आंसर है सी, ओके, मैंक ने सही जवाब दिया है, आंसर इसका सी है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक्चुअल अपने आप गोगोई साहब, रंजन गोगोई साहब जब बने थे तो ये भी नाम याद रखिए आप कि गोगोई सर अभी CJI हैं, अभी बताएगा नेक्स्ट CJI, उनका टेन्योर कब ख़त्म हो रहा है और CJI को कौन अपॉइंट करता है, ठीक है। लेक्चर के बाद कमेंट सेक्शन में बताना, मैं भी आंसर करूंगा। अगला सवाल, काजिंद इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन। काजिंद इंडिया और किसके साथ होने वाली ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है काजिंद की बात, फाइन, सिंगापुर, कजाकिस्तान, केन्या, न्यूजीलैंड। देखो 95% चांसेस ऐसा रहता है कि जैसे ये है काजिंद, तो ये जो एक्सरसाइजेज है ना ये देशों को नाम को जोड़कर कई बार बना दी जाती हैं, लेकिन सिर्फ मैं 95% टाइम बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि ये हर बार होगा, क्योंकि कई बार ना ऐसा होता है कि ऐसा नहीं भी होता है, 5% टाइम्स ऐसा होता है कि आपको नाम लगता है पर वैसा होता नहीं है। तो जब भी आप इसे पढ़ते हैं तो ये याद रखने का तरीका है कि आप एक बार सही इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिए और उसे रिलेट कर लीजिए। सिंगापुर, कजाकिस्तान, केन्या, न्यूजीलैंड, तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, बी क्या है, कजाकिस्तान। आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में, थोड़ा सा आप कजाकिस्तान का लोकेशन देख लीजिए, चूँकि मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है तो आप बताइए कि कजाकिस्तान से मिलिट्री एक्सरसाइज करवाने में हमें फ़ायदा क्या है। देखो हमें फ़ायदा है कि चाइना इसके यहाँ पर है, फिर यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तजिकिस्तान है, तो एक सैन्य समझौता होता है, एक
कॉन्फिडेंशियलिटी बढ़ती है, एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल एरा में बहुत फ़ायदेमंद है। अगर कल के दिन हमारे पास, हमारे साथ चाइना की वॉर हो जाती है, तो हमारे पास एक ऑप्शन तो है कि हम कजाकिस्तान की सेना को लेकर यहाँ से चाइना पर अटैक कर सकें, भाई अगर चाइना नीचे से आ रहा है तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना सोच कर ये सारी प्रोसेस होती है। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि ये जो एक्सरसाइजेज हैं ऐसा है वैसे है, नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पेस एलिवेटर। स्पेस एलिवेटर के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है बताइए। पहला स्टेटमेंट बोलता है, अ स्पेस एलिवेटर इज़ अ प्लैनेट स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विद द हेल्प ऑफ केबल्स, दस एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ रॉकेट। जो एक स्पेस एलिवेटर है, ये एक प्लैनेट स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। प्लैनेट स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विद द हेल्प ऑफ केबल्स, जिसे केबल की मदद से बनाया गया। एक एक वर्ड मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ रॉकेट, देखो रॉकेट का क्या काम है, ये जैसे हमारी अर्थ है, यहाँ से हमें कोई सैटेलाइट भेजना है तो यहाँ से हम रॉकेट में क्या भरते हैं, पेलोड, और फिर वो पेलोड फटता है और फिर रॉकेट जाता है ऊपर। अब स्पेस एलिवेटर बनाने की बात हो रही है, ये क्या करेगा, प्लैनेट से स्पेस में सैटेलाइट को लेकर जाएगा, लेकिन अब रॉकेट की जो ज़रूरत है वो ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें वायर से हम इसे पावर ट्रांसफ़र करेंगे आगे जाने की, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट एवर स्पेस एलिवेटर बिल्ड बाय चाइना। ये पहला ऐसा स्पेस एलिवेटर है जो कि चाइना के द्वारा बनाया गया है। हेलो दिवाकर, कैसे हो, ठीक है, जो चाइना के द्वारा बनाया गया है, ये फर्स्ट एवर स्पेस एलिवेटर है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक मायाजाल और है। वो मायाजाल क्या है कि आपसे ये पूछ रहा है नॉट ट्रू। तो मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि जब भी ट्रू और नॉट ट्रू देखो, अगर नॉट ट्रू है तो उसे काटो और उसकी जगह लिख दो फॉल्स। अब क्वेश्चन को पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है आपको ये बताना है। चलते हैं सही आंसर की तरफ। दोस्तों इसका सही आंसर है बी। बी क्या है कि टू ओनली, इसका मतलब है सेकेंड वाला स्टेटमेंट फॉल्स था। हमने नॉट ट्रू को काटा था, इसकी जगह हमने कर दिया था फॉल्स, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है कि स्पेस एलिवेटर इज बिल्ड बाय चाइना। नहीं, ये चाइना नहीं बना रही, ये बना कौन रहा है, जापान, ठीक है। ये न्यूज़ थी, न्यूज़ से ही उठाकर ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। अभी स्पेस एलिवेटर के बारे में थोड़ा सा समझ लो। स्पेस एलिवेटर में वायर की मदद से हम स्पेस को ऊपर पहुँचाएंगे, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, चाइना इज़ द फर्स्ट, जापान इज़ द फर्स्ट कंट्री, जापान वो पहली कंट्री है जो कि स्पेस एलिवेटर सिस्टम विच इज सेट फॉर द ट्रायल दिस मंथ, जिसने स्पेस एलिवेटर सिस्टम को इस बार ट्रायल किया है। कार्तिक ने बताया कि गलत है। कार्तिक एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लो, क्वेश्चन पता हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से गलत कौन सा है, ठीक है, फॉल्स। तो कई बार ये कन्फ्यूज़न हो जाता है, अगर ट्रू की जगह नॉट ट्रू लिखा है ना तो थोड़ी देर के लिए हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या पूछा है, ट्रू की फॉल्स, ट्रू पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है, जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है अंडर द स्कीम हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 5,000 to 10,000। जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो पहले 5,000 थी, अब उसे बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। सेकेंड, द स्कीम वॉज रिसेंटली एक्सटेंडेड फॉर एन ईयर टिल 2019-20। प्रधानमंत्री जनधन योजना की स्कीम को एक्सटेंड कर 19-20 तक कर दिया गया है। नेक्स्ट, अराउंड 70% ऑफ जनधन अकाउंट आर हेल्ड बाय वेमेन। जनधन अकाउंट में तकरीबन 70% जो अकाउंट हैं वो वेमेन्स के खुले हुए हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। हम चलते हैं आंसर की तरफ। दोस्तों इसका सही आंसर है ए,
ए को थोड़ा सा समझ लीजिए, ए बोलता है वन ओनली, मतलब पहला वाला स्टेटमेंट बस सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं। तो इसी वजह से ये न्यूज़ में था। अभी हाल ही में जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो 5,000 से बढ़ाकर 10,000 की गई है प्रधानमंत्री जनधन योजना में। थर्ड स्टेटमेंट पर आते हैं, ये कह रहा है कि तकरीबन 70% जनधन अकाउंट जो वेमेन के हैं वो वीमेन के हैं जनधन अकाउंट, जी नहीं ऐसा नहीं है, अराउंड 52%, देखो अराउंड 52% अकाउंट होल्डर्स आर वुमेन, तकरीबन 52% अकाउंट जो हैं वो वीमेन के द्वारा ओपन किए गए हैं। इट वॉज अच्छा 48% मेंस के हैं, ठीक है। पहला, इट वॉज रिसेंटली मेड एन इनडेफिनिट स्कीम विद नो डेडलाइन, इनडेफिनिट एंड मैंने क्लियर कर दिया था, इसे हाल ही में इनडेफिनिट स्कीम बनाया गया, मतलब ऐसा नहीं है कि जो स्टेटमेंट बोल रहा था कि 2019-20 तक बढ़ाया गया, नहीं, इसे इनडेफिनिट टाइम तक बढ़ा दिया गया है। अगर आने वाली गवर्नमेंट या ये गवर्नमेंट एक डेडलाइन डिसाइड करती है तो ठीक है, अदरवाइज अभी तक कोई डेडलाइन डिसाइड नहीं है। अराउंड 52% ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, द ओवरड्राफ्ट लिमिट फॉर अकाउंट होल्डर ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना नाउ बीन डबल्ड। पहले क्या था, ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी थी ये सिर्फ 5,000 थी, अब इसे बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। अर्लियर एंड देयर वॉन्ट बी एनी कंडीशन अटैच्ड फॉर ओवरड्राफ्ट अप टू 2,000। द एज लिमिट ऑफ अवेलिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज नाउ बीन रिवाइज। पहले 18 से 60 साल तक के लोग ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का फ़ायदा ले सकते थे, लेकिन अब 18 से लेकर 35 साल तक, ठीक है, 18 से लेकर 35 बोल रहा हूँ 65 ईयर्स तक के लोग इसकी इस फैसिलिटी की सुविधा ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ में जाते समय इन कंट्रीज़ को जमाइए, बेलारूस, यूक्रेन, रोमानिया, बल्गारिया। ऑप्शंस आपके सामने हैं, हम चलते हैं सही आंसर की तरफ, ठीक है। दोस्तों इसका सही आंसर है सी। सी बोलता है कि सबसे ऊपर पड़ेगा बेलारूस, ठीक है, उसके नीचे पड़ेगा यूक्रेन, उसके नीचे पड़ेगा रोमानिया, उसके नीचे पड़ेगा बल्गारिया। बेलारूस, यूक्रेन, रोमानिया बहुत ही खूबसूरत जगह है, बल्गारिया भी बहुत खूबसूरत जगह है। मैप में इन्हें देखो तब समझ आएगा। बेलारूस, यूक्रेन, रोमानिया, बल्गारिया, क्लियर हुआ? बेलारूस, यूक्रेन, रोमानिया, बल्गारिया, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके फाइन। अच्छा हाँ, ये कहीं की स्लाइड कहीं आ गई है, घबराना मत, अभी हैं क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के बारे में इनमें से स्टेटमेंट चूज करिए। पहला स्टेटमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आर फ्री टू फ्रेम देयर ओन मैकेनिज्म फॉर ओपन डेफिकेशन फ्री वेरिफिकेशन ऑफ विलेज। देखो स्वच्छ भारत मिशन, थोड़ा सा मैं डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ समझा दूँ, यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन कंसेप्ट का यूज़ हुआ है। डिसेंट्रलाइजेशन ये कहता है, पहला पॉइंट, कि जो स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन पूरे देश में चलेगा, लेकिन अपने देश में ग्राम भी तो हैं, गाँव भी तो हैं, लेकिन सेंट्रल की पहुँच गाँव तक नहीं है, इसलिए स्वच्छ भारत मिशन का ही एक और रूप स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चलाया गया है। इसमें गांव की स्वच्छता पर फोकस किया गया है। अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट पर, सेंट्रल गवर्नमेंट आर फ्री टू फ्रेम देयर ओन मैकेनिज्म। अच्छा मैं अभी यहाँ पढ़ाते हुए आपके क्वेश्चंस नहीं देख पा रहा हूँ, आखिरी के 5 मिनट में ना मैं आपके सारे क्वेश्चंस ही देखूंगा। अभी हम ये कर लेते हैं, आप अपने क्वेश्चंस इस पर पोस्ट करते जाइए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर जवाब नहीं दे रहा हूँ तो, ऐसा नहीं, लास्ट में मैं 5-10 मिनट ये क्वेश्चन ही लेने वाला हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के बारे में ये स्टेटमेंट देखिए। पहला स्टेटमेंट बोलता है
कि स्टेट गवर्नमेंट आर फ्री टू फ्रेम देयर ओन मैकेनिज्म. जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बिल्कुल फ्री है कि वो अपना मैकेनिज्म खुद से बना सके और ये तय कर सके कि विलेजेस का वेरिफिकेशन कैसे होना है. विलेजेस के वेरिफिकेशन का मतलब किस चीज़ से वेरिफिकेशन? ओपन डेफिकेशन, मतलब खुले में मलमूत्र त्याग ना हो. इस चीज़ को लेकर स्टेट खुद से नॉर्म्स बनाए और खुद से जांच पड़ताल करें. दूसरा स्टेटमेंट, सैनिटेशन इज अ सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट. सैनिटेशन एक समवर्ती सूची का विषय है. तीसरा पॉइंट, द डेफिनेशन ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री इज सेम थ्रू आउट द कंट्री. ओपन डेफिकेशन फ्री मतलब कोई एक जगह है, वो अब वहाँ पर सबके घर में लैट्रिन की सुविधा हो गई है, शौचालय बन गए हैं और कोई भी खुले में शौच नहीं जाता, यह है ओपन डेफिकेशन फ्री. तो डेफिनेशन जो होगी ओपन डेफिकेशन फ्री होने की, वो पूरे देश में एक जैसी होगी. आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है, ऑप्शंस आपके सामने हैं. हम चलते हैं सही आंसर की तरफ. दोस्तों सही आंसर है बी. थोड़ा सा बी को समझिए. बी बोल रहा है वन एंड थ्री ओनली. पहले हम यहाँ पर इसे देखते हैं, फिर हम चलते हैं सप्लीमेंट्री की तरफ. पहला स्टेटमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आर फ्री. ये बात बिल्कुल सही है कि स्टेट गवर्नमेंट फ्री हैं कि वो फ्रेम कर सकती हैं खुद का मैकेनिज्म कि किस तरीके से गांव को शौचालय मुक्त, बाहर में खुले में मलमूत्र से रहित किया जाए, ख़त्म किया जाए. दूसरा स्टेटमेंट गलत है कि सैनिटेशन कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है नहीं. थर्ड ऑप्शन भी सही बता रहा है कि डेफिनेशन होगी जो ओपन डेफिकेशन की, पूरे देश में एक जैसी होगी. अब देखो इसका रीज़न क्या है कि पूरे देश में एक जैसी होगी. ये है पूरा देश. अब पता चला कि बिहार वालों ने अपनी साफ़ सफाई की डेफिनेशन बना ली, मध्य प्रदेश वालों ने अपनी बना ली, महाराष्ट्र वालों ने अपनी बना ली, केरला में कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट है तो बोलेंगे नहीं हम साफ़ सफाई पर भरोसा ही नहीं रखते हैं, हमारे यहाँ कोई डेफिनेशन नहीं होगी इस तरीके से. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो इसमें जो बाकी के पॉइंट्स थे वो हम यहाँ पर देखते हैं. सैनिटेशन एक स्टेट सब्जेक्ट है, देखो याद रखना, सैनिटेशन साफ सफाई जो है ना वो एक स्टेट सब्जेक्ट है. अच्छा मुझे बताओ कि ये लिस्ट जो है, कंकरेंट लिस्ट जो है या यूनियन लिस्ट या स्टेट लिस्ट, ये किस शेड्यूल में आती हैं, ठीक है, आपको शेड्यूल बताना है. दूसरा स्टेटमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन प्रोवाइडेड द डेफिनेशन ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री इन ऑर्डर टू अचीव यूनिफॉर्मिटी अकॉर्डिंग टू ओपन डेफिकेशन फ्री मीन्स. पहला, मिनिस्ट्री ऑफ, देखो कौन सी मिनिस्ट्री तय करेगी इसकी डेफिनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ये मिनिस्ट्री तय करेगी कि ओपन डेफिकेशन फ्री होने की डेफिनेशन क्या होगी. अब इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, पहला, नो विजिबल फेसेस फाउंड इन एनवायरमेंट एंड विलेज. ना तो गांव में ना उसके आसपास के एनवायरमेंट में कहीं भी इस तरीके के शौच के खुले हुए साक्ष्य नहीं दिखने चाहिए. दूसरा, एवरी हाउस पब्लिक एंड कम्युनिटी इंस्टीट्यूट, हर एक घर में इंस्टीट्यूट, चाहे वो पब्लिक इंस्टीट्यूट हो या कम्युनिटी इंस्टीट्यूट हो, सामुदायिक केंद्र हो या सरकारी केंद्र हो या हर एक घर हो, वहाँ पर सेफ टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए जिससे लोग शौच जा सके, मतलब शौचालय का निर्माण होना चाहिए. तो ये है ओपन डेफिकेशन फ्री होने की डेफिनेशन. नेक्स्ट पॉइंट, The ministry also has provided guidelines for open defecation verification and these are indicative only. अब यहाँ पर आपने पहला statement देखा जिसमें बोल रहा है कि state government क्या करेगी, अपने mechanism बनाएगी, और तीसरा बोल रहा है कि country देखेगी. तो country, central government क्या करेगी, simple norms बनाएगी कि भाई इन norms को follow करो, state government उन्हें follow करते हुए आगे का काम करेगी. अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ओके गुड, शब्दा ने सही बताया सेवेंथ शेड्यूल. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी सीडीएस की तैयारी कर रहा है, यहाँ पर समझ लो. हमने यूएसए से कोम कासा साइन किया था, उस पर ये क्वेश्चन है, ठीक है,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट. पहला स्टेटमेंट बोलता है विद साइनिंग ऑफ कोमकासा, कोमकासा को साइन करते ही इंडिया हैज साइन ऑल फोर फंडामेंटल एग्रीमेंट्स दैट द यूएसए साइन टू फैसिलिटेट इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन मिलिट्रीज एंड सेल ऑफ हाई एंड टेक्नोलॉजी. थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर कर दूँ. ये है यूएसए, हमें पता है कि यूएसए की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाई है. ये है इंडिया, ठीक है. इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है और टेक्नोलॉजी के लिए मिलिट्री में डिफेंस सेक्टर में यूएसए पर डिपेंड है. चलो हम इससे लेते हैं. अब यूएसए अपनी हाई सेंसिटिव टेक्नोलॉजी इंडिया को दे दे, इसके लिए भरोसा तो होना चाहिए ना इन दोनों के बीच. तो ये एग्रीमेंट्स कोमकासा, पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि कोमकासा को साइन करने के बाद इंडिया ने वो चारों फंडामेंटल एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं जो कि हाई सेंसिटिव डिफेंस इक्विपमेंट्स को देने के लिए या शेयर करने के लिए चाहिए. यूएसए साइन फैसिलिटेट इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन मिलिट्रीज एंड सेल ऑफ हाई एंड टेक्नोलॉजी. दूसरा, द एग्रीमेंट कम टू फोर्स इमीडिएटली एंड रिमेन वैलिड फॉर 10 ईयर्स. जैसे ही कोमकासा साइन किया गया है उसके तुरंत बाद ही ये फोर्स में आ गए हैं और ये अगले 10 सालों तक एक्टिव रहेंगे. स्टेटमेंट आपके सामने है. हम चलते हैं सही आंसर की तरफ. दोस्तों सही आंसर है इसका बी. थोड़ा सा बी को समझते हैं फिर बाकी पॉइंट्स देखते हैं. बी कहता है कि भैया सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो सही लिखा है इसमें कि ये जो एग्रीमेंट है जैसे ही साइन किया है इंडिया और यूएसए ने वैसे ही ये फोर्स में आ गया है और अगले 10 सालों तक ये एक्टिव रहेगा. 10 सालों के बाद अगर यूएसए को लगता है कि नहीं अब इंडिया कुछ ज़्यादा ही चमक रहा है इसे हटा दो, या फिर इंडिया को लगता है कि अब तो हम खुद ही चमक गए हैं अब क्यों यूएसए का साथ लेना है तो हट जाओ, तो 10 साल के बाद वो रीनिगोशिएशन आगे जो भी होगा होगा. अभी 10 साल के लिए साइन हो चुका है. अगला नेक्स्ट पॉइंट कि जो गलत है, कोमकासा इज़ वन ऑफ द फोर फंडामेंटल एग्रीमेंट. ये बात सही है, कोमकासा चार फंडामेंटल एग्रीमेंट्स में से एक है जो कि यूएसए और इंडिया के बीच साइन होने हैं और इसे इन चारों को साइन करते साथ ही इंडिया यूएस का क्लोज एलाई बन जाएगा, क्लोज पार्टनर बन जाएगा. नेक्स्ट, इंडिया साइन ओनली 3 of these 4 एग्रीमेंट. इंडिया ने कोमकासा को साइन करने के बाद अभी तक सिर्फ 3 ही एग्रीमेंट पर साइन किया. देख लो ये पूछा जा सकता है. एक है जी सोमिया जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट 2002 में हमने साइन किया था. एक है लिमोवा लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जो कि 2016 में साइन किया है. एक है कोमकासा जो 2018 में कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट ये हमने साइन किया है. इसमें ज़्यादा डेप्थ में आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा. नेक्स्ट लाइन पर आते हैं. द लास्ट वन रिमेनिंग, जो एक चौथा बचा हुआ है वो कौन सा है? बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशियल कॉपरेशन, जिसे हम कहते हैं बेका. ठीक है, इसे हम कहते हैं बेका. द साइनिंग ऑफ कोमकासा इज लाइकली टू ओपन द वे फॉर सेल ऑफ मोर सेंसिटिव यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट बाय इंडिया. अच्छा, कोमकासा अगर आपसे कभी एसएसबी वगैरह देने जाओ वहाँ पर पूछ लेगा कि कोमकासा साइन कर दिया है इससे क्या फ़ायदा होगा. देखो इसको साइन करने के बाद ना यूएस मिलिट्री के जो इक्विपमेंट्स हैं वो इंडिया अब यूज़ कर सकेगा जो ज़्यादा सेंसिटिव इक्विपमेंट्स हैं. नेक्स्ट, कोमकासा गिव इंडियन मिलिट्री एक्सेस टू फंक्शन ऑन हाई एंड सिक्योर्ड एंड इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट that are installed on US origin military platform obtained by Indian armed forces such as C-17, C-130 and P-81-8IS. इसका मतलब समझ लो क्या है. देखो होता क्या है, जैसे C-17 है या C-130 है, C-17 हमने अमेरिका से ले लिया, USA से ले लिया. अब C-17 में एक टेक्नोलॉजी लगी थी कि इसके GPS के थ्रू हम हाई डेफिनेशन बहुत अच्छी इमेज ले सकते हैं, लेकिन ये GPS किससे जुड़ा हुआ है? US की सैटेलाइट से. अब US ने जब कारगिल वॉर हुआ था तो US ने मना कर दिया था, ठीक है. US ने बोला था कि नहीं हम अपनी सैटेलाइट का यूज़ नहीं करने देंगे, लेकिन जैसे ही हमने कोमकासा साइन किया है अब हम उससे जो हेलीकॉप्टर ले रहे हैं उसमें इंस्टॉल सिक्योरिटी सिस्टम को उनकी सैटेलाइट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं. पॉइंट क्लियर हुआ?
अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोडगू। कोडगू के बारे में इनमें से स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको ये बताना है कौन सा ट्रू है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, फिर हम इसके बाद थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो आपके सवाल हैं। पहला, कोडगू के बारे में, ब्रह्मगिरी हिल्स इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न साइड ऑफ कोडगू। जो ब्रह्मगिरी हिल्स है वो कोडगू के नॉर्दर्न साइड में है, नॉर्थ साइड में, ब्रह्मगिरी हिल्स कोडगू के नॉर्दर्न साइड में। सेकेंड, नागरहोल नेशनल पार्क, ये एक की कंजर्वेटिव साइट है टाइगर और एलिफेंट की, जो कि कोडगू में लोकेटेड है, नागरहोल नेशनल पार्क। ओके, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये रहे ऑप्शंस। हम चलते हैं सही आंसर की तरफ। दोस्तों सही आंसर है इसका बी। बी कहता है कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, नागरहोल नेशनल पार्क कोडगू में, कोडगू कर्नाटक, ठीक है, कोडगू में है। नागरहोल टाइगर और एलिफेंट को कंजर्व करने के लिए एक की कंजर्वेशन पॉइंट है। लेकिन फर्स्ट वाला क्यों गलत हो गया, इसे समझ लो। जो कोडगू डिस्ट्रिक्ट है ना, ये है जैसे कोडगू, तो ब्रह्मगिरी हिल्स इज लोकेटेड बिटवीन द बॉर्डर ऑफ कोडगू इन नॉर्थ एंड वायांद इन केरला। ब्रह्मगिरी इज लोकेटेड बिटवीन बॉर्डर ऑफ कोडगू एंड वायांद, ये कोडगू है और यहां पर वायांद है, ये ब्रह्मगिरी हिल्स यहां पर लोकेटेड है। फाइन, ब्रह्मगिरी हिल्स के नॉर्थ में कोडगू है, फर्स्ट स्टेटमेंट उल्टा बोल रहा था। ओके, पॉइंट क्लियर हुआ। तो सही आंसर है बी। फाइन, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। मैं एक मिनट, थोड़ा सा मैं आप लोगों के क्वेश्चन देख लेता हूं ऊपर से। एफकेट के लिए डिफेंस करंट, ओके, कार्तिक ने बोला है कि एफकेट के लिए डिफेंस करंट। हाँ कार्तिक, मैं इसमें डिफेंस के करंट को कवर कर रहा हूँ, ठीक है, जितने भी डिफेंस के करंट हैं वो भी साथ ही साथ कवर हो रहे हैं। साथ ही साथ यूपीएससी की एक अप्रोच लेकर, कि यूपीएससी क्योंकि सीडीएस का पेपर बनाता है, तो आप लोग किसी पेपर में रुको नहीं, ठीक है, खासकर करंट को लेकर, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो वो सारा आपको अप्रोच इसमें मिल जाएगा। फिर उसके बाद CDS की प्रिपरेशन के लिए, मयंक ने पूछा है, प्रिपरेशन के लिए क्वांटिटी पढ़ें, क्वालिटी पढ़ें या क्वांटिटी पढ़ें। अगर क्वालिटी पढ़ें तो अच्छा। मयंक जी देखो, मयंक जी है क्या ना कि क्वेश्चन कितने आने हैं, मैथ्स में आने हैं 100, अगर मैं CDS की बात करूं क्वेश्चन आने हैं 100, GS में कितने आने हैं 120। अब मैं सिर्फ और सिर्फ GS की बात करता हूँ, तो आपको पहली बात सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है, और सेलेक्टेड टॉपिक पे भी उन्हें अच्छे से पढ़ना है। अब अगर आप बहुत सारा पढ़ोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचो, आप अगर बहुत सारा पढ़ोगे तो क्या उसे रिवाइज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो ये हमारे अंदर की एनजाइटी होती है। होता क्या है ना, एग्ज़ाम के टाइम में आप देखना, एग्ज़ाम के टाइम में ना हम कुछ पढ़ रहे होते हैं और पढ़ने के बाद हम देखते हैं हमारा दोस्त कुछ और पढ़ रहा है, तो हम जाकर उसका पढ़ने लगते हैं। फिर देखते हैं तीसरा दोस्त कुछ और पढ़ रहा है, उसका पढ़ने लगते हैं। और जब हम पेपर देकर निकलते हैं ना, तो हमें ये फील होता है कि यार जो हम पढ़ रहे थे ना वही अच्छे से पढ़ लिए होते तो पास हो जाते, ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्वालिटी रखनी है, क्वांटिटी पर ज़्यादा फोकस नहीं रहने कि 10 किताबें ले और पढ़ एक को भी नहीं रहे। आप खुद देखिए 10 किताबों में ना एक जैसा ही लिखा हुआ है, तो आप तो क्वालिटी पढ़िए, वही इम्पोर्टेंट है। CDS के लिए जैसे ओके, बाकी और भी कुछ क्वेश्चन है एफकेट में, नहीं पूछता एक्सपेक्टेडली आप CDS में पूछ सकते हैं। हाँ, क्या होता है, करंट जब उठता है ना तो CDS में क्या होता है, जैसे CDS है, FCAT को चलो, FCAT तो एक नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाता है FCAT के लिए, ठीक है। लेकिन आप खुद सोचो, अगर आप FCAT दे रहे हो तो आप CDS भी दोगे। अब FCAT में मान लो 50 पोस्ट हैं, एक हाइफाजेडली बात करूँ, तो CDS में 500 पोस्ट हैं, ठीक है। फिर उसके बाद CDS दे रहे हो, तो आप लोग CDS दे रहे हो तो असिस्टेंट कमांडेंट भी देंगे ही देंगे,
तो असिस्टेंट कमांडेंट का भी यही अप्रोच है। तो यूपीएससी ना पेपर्स में वेरिएशन नहीं करता है, क्योंकि यूपीएससी के पास जो क्वेश्चन बैंक है वो तो एक जैसा ही है। उसके बाद दिवाकर, मैं भी ठीक हूँ दोस्त। ओके, फिर उसके बाद मैंक ने पूछा है कि ज्योग्राफी के लिए इंफॉर्मेशन शेयर करना है, हाउ टू प्रिपेयर इट स्पेशली फॉर CDS एंड असिस्टेंट कमांडेंट। ओके मैंक, ज्योग्राफी के लिए ना इंडियन ज्योग्राफी पर ज़्यादा फोकस रहो, वर्ल्ड को अभी किनारे कर दो। इंडियन ज्योग्राफी में भी जो आपका फिजिकल वाला पोर्शन है सबसे पहले उसे अच्छे से करो। और मैंक अगर आपने देखा होगा तो मैंने MCQs डाल रखे हैं, जो मेरी प्रोफाइल है ना अनअकैडमी की, अनअकैडमी वाले मेरे पेज में आप जाओगे तो मैंने CDS के पूरा डाल रखा है, सॉरी CDS नहीं, ज्योग्राफी के MCQs डाल रखे हैं, फिर उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी पूरा डाल रखा है, ठीक है। तो उसे पढ़ लो और बहुत ही लिमिटेड सोर्सेज के साथ आप तैयारी करो, अपने आप चीज़ें आपको आती जाएंगी। फाइन, अगर और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल लिखकर भेज दीजिएगा। हाँ, ये फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी मैंने डाले थे। हाँ, और बुक को लेकर ज़्यादा परेशान मत होइए कि ये बुक अच्छी वो बुक ख़राब, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पता है होता क्या है, थोड़ी देर के लिए सोचो मेरी फर्स्ट रैंक आ जाए किसी में और मैं बोलूँ कि नहीं वो NCERT अच्छी है वो ख़राब है, तो आप ये मान लोगे भाई। आप भी एक बार पढ़कर देखो ना, हो सकता है जो मूवी मुझे पसंद आ रही हो आपको पसंद ना आए, जो मूवी जो खाना आपको पसंद है मुझे पसंद ना हो। चलो ठीक है, ओके मयंक आप OTA के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फाइन, ये आपने लिखा है GS स्कोर करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाँ, OTA के लिए यार GS स्कोर करना इम्पोर्टेंट है मयंक, मैं आपको बता दूं, मतलब आप एक काम करो, मेरी प्रोफाइल में जाकर ना मुझे एक मैसेज भेज दो लिंक अनअकैडमी की, आप लिंक भेज दो उसमें, मैं आपको ना उसी के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैं थोड़ा सा, आप OTA के लिए हैं तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं, OTA के लिए GS में स्कोर करना ज़रूरी है, नो डाउट। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ या ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मतलब पर्सनली मुझे पता है, मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि मेरा ना IMA क्लियर हो गया था और OTA क्लियर नहीं हुआ था। ये चीज़ मैं पर्सनली मैं फेस कर चुका हूँ। IMA मेरा इसलिए क्लियर हो गया था कि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था, तो मेरे मैथ्स में स्कोर अच्छे थे तो IMA के लिए आ गया था, AFO सेकेंड में के लिए आ गया था, OTA के लिए मेरा रह गया था, ठीक है। तो GS में आप मेहनत ज़रूर करिए, फाइन। चलो ठीक है, तो फिर अभी क्लास ओवर करते हैं, आपके जो भी डाउट्स हों बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, बाकी हम लोग की मुलाकात तो रोज़ होती रहेगी। चलो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।